हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ऐसा निर्णय वो ले सकते हैं आपके लिए इस कनेक्शन के लिए, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी वी हैव टेम्परेंस। लेट्स क्लेरिफाई सम कार्ड्स। क्यों इतना ईगोइस्टिक हैं और इतने गुस्से में क्यों हैं आपके पर्सन? ओके, क्या ये सिचुएशन एंड हो गई है या होनी है अभी? कपल आ रहा है यहाँ पर, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद मैरिज एनर्जी विद द ब्रेकअप एनर्जी। ओके, आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त? ओके, और किसे क्लैरिफाई करें मैं ये सोच रही हूँ। कपल की एनर्जी क्यों आई है? ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ क्यों आई है? ओके, मैंने ईच एंड एवरी कार्ड को इसलिए क्लैरिफाई कर लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्यूरेट प्रडिक्शन मिल पाए। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई किया ऑलमोस्ट जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि डीपेस्ट फीलिंग्स में बैड न्यूज़ पहले बताती हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन का मूड है बहुत ज़्यादा ख़राब, एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जी है। और नेगेटिव किस लिए है? जैसे किसी से झगड़ा हो रहा है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तबीयत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। सिर्फ इनके ही नहीं, इनके परिवार वालों या जो भी थर्ड पार्टी है उनकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। गुस्से में है आपके पर्सन, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है इस टाइम पे ना, अग्रेशन बहुत स्ट्रांग है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना इस समय ना बड़ों का लिहाज करना ना छोटों का लिहाज करना, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में है। जो दिल में है वो ज़ुबान पर है, ये वाली वाइब्स है आपके पर्सन की। मैंने एंजल से पूछा कि ये इतने नाराज़ क्यों हैं और किस पर हैं, मतलब क्या रीज़न है इतना गुस्सा और इतनी सफरिंग का। देन वी हैव गॉट हाई प्रीस्टेस। जो भी आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि इनको मैनिपुलेट कर रही हैं आपके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट ये एंडिंग नज़र आ रही है। फिर मैंने पूछा कौन है ये लोग। देन वी हैव गॉट कपल। आप दोनों के बीच में कोई कपल है, मे बी इनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, या इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन या आपकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, मे बी मैरिड हों किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ ये बिल्कुल खुश नहीं है, और साथ होते हुए भी ब्रेकअप वाली सिचुएशन है दोनों के बीच में।
इन्होंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की इस रिश्ते को हैंडल करने की, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत वर्कआउट किया है, बट स्टिल इनको ऐसा लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है ये रिश्ते को संभालना। अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये अपनी इच्छा से इस विश को पूरा करें और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। मैंने पूछा आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैसेज की एनर्जी है, तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो रहे होंगे या होने वाले हैं। मैंने पूछा क्या फीलिंग्स हैं इनकी, डीपेस्ट फीलिंग्स में क्या है ऐसा जो आपसे बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आया, जैसे पहली बात तो फैमिली के साथ इनका कुछ ऐसा कर्मा एसोसिएटेड है इस टाइम पे, जिसके कारण ये बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस को फेस कर रही हैं या कर रहे हैं। लेकिन ये आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी सिचुएशन भले नेगेटिव है, बट आने वाले सिचुएशन को ये संभाल लेंगे, बैलेंस आउट करेंगे, शादी तो आपके साथ ही होगी, ये भी आपको ये बताना चाहते हैं, इनकी इच्छा है। हर मुमकिन कोशिश करने के लिए जो ताकत जो स्ट्रेंथ इनको रिक्वायर्ड है ये वो लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, बट ये झुकेंगे नहीं किसी के भी आगे, किसी भी मैनिपुलेशन के आगे, किसी भी ब्रेन वॉश के आगे, ये इमोशनल ड्रामा के आगे ये नहीं झुकने वाली या नहीं झुकने वाले। ये सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आपको लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जो ये बहुत कुछ है जो बताना चाहते हैं, बट ये थोड़े में बताएंगे। अभी इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं देंगे, ये भी यहाँ पर वाइब्स मुझे पिक हो रही है। तो जिन जिन लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करती जाएगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंजल्स आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होने वाला है। फिलहाल आने वाले 23 घंटे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। अभी देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स आया था टैरो से भी और यहाँ से भी आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत अकेला फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा हारा हुआ, बहुत अकेलापन ये सिचुएशन से गुजर सकती हैं या गुजर सकते हैं। तो आपको 2 दिन का समय देना है अपने पर्सन को, 2 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 23 घंटे, मैक्सिमम 2 दिन आपके पर्सन को लगेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। कुछ कार्मिक साइकिल्स ट्रिगर हो रही हैं। अब देखिए एनर्जी इंटेंस इसलिए भी है बिकॉज़ 9-9 की एनर्जी आने वाली है। कितना दिन बचा, आज 7 तारीख हो ही गई, साथ ही है ना आज, हाँ आज 7 तारीख है, 7 तारीख आज हो गई, कल या परसों, परसों है 9 तारीख। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स ट्रिगर होंगे। एवरी 9-9 पोर्टल, जब 9-9 पोर्टल आता है तो जो भी लोग असेंशन प्रोसेस में होते हैं उनके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, और नॉर्मली जो कार्मिक से भी डील कर रहे हैं तो उनको भी इस टाइम पीरियड में ट्रिगर मिलने की संभावना बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ कार्मिक अकाउंट बैलेंस होंगे बिकॉज शनि की एनर्जी है और साथ में है डेस्टिनी, जो कर्म में लिखा हुआ है वो सडनली होगा, और आपके पर्सन कुछ सेक्रीफाइसेस भी करेंगे इस टाइम पीरियड में, कुछ सिचुएशन से रिलीज़ होने की वाइब्स है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है जिस भी सिचुएशन से रिलीज़ होंगे वो इन्होंने खुद पेशेंटली प्लान की हुई है, मतलब इन्हें ये पता है कि मुझे अपनी लाइफ में, लव लाइफ में अगर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है तो मुझे कुछ टावर मोमेंट से गुजरने होंगे, मुझे कुछ नेगेटिव सिचुएशन से गुजरने होंगे। तो ये खुद की स्ट्रेटजी के बेसिस पर ही आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, जस्ट इनको थोड़ा स्पेस देना है और कुछ नहीं। स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आने वाले 23 घंटे थोड़ी वार्निंग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, सतर्क रहिएगा, मूड अच्छा नहीं रहेगा और ज़्यादा कोई ऐसी एनर्जी नहीं फील हो रही मुझे आपको लेकर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है। 5 कार्ड्स, ओके। पीस रखने की कोशिश करो, पीस मेंटेन करने की कोशिश करो, सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, जो होगा बेस्ट होगा, उन पर भरोसा होना चाहिए, चिंता नहीं करनी है आपको बिल्कुल
किसी भी बात का स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है अच्छा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी करेज रखो। रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशंस ऐसे आने वाली हैं जो कि आपके हायर गुड के लिए परफेक्ट हैं। करेजियस डिसीजंस ये टाइम पीरियड में होने वाले हैं। आफ्टर 8-8 पोर्टल, 8-8 पोर्टल में देखिए स्ट्रेंथ के बाद बहुत सारे यूनियंस हुए हैं, पावरफुल एनर्जी रही है। अब 9-9 में एंडिंग्स की तरफ बढ़ेंगे, 10-10 तक चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, 11-11 में नई शुरुआत होगी। जो डेस्टाइंड हैं वो लोगों की नई शुरुआत होगी, एक न्यू साइकिल, काफ़ी कम्प्लीशंस होते हैं 11-11 तक। तो ये साइकिल हर एवरी ईयर रोटेट करती है, बिकॉज एवरी ईयर नए नए जोड़े बनकर रेडी होते हैं डिवाइन की ब्लेसिंग से। तो यहाँ पर ये भी एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में जो जेलसी रखते हैं आप दोनों से, इस रिश्ते से उन्हें तकलीफ़ होती है आप लोगों को खुश देखकर। तो ऐसे लोगों के कारण आप लोगों को नेगेटिव, तो जो कहते हैं ना एक नज़र लग जाना, इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हुई है। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं, स्पिरिचुअल हैं और आप अपने ईष्ट की आराधना करते हैं, अपने कुल देवी या कुल देवता को पूछते हैं, अपने एंसेस्टर्स को पूछते हैं, तो आपको इन सब सिचुएशन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे विल प्रोटेक्ट यू आउट। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।